किंग हैज़ ए ड्रीम। कंगारू का क्या एक ड्रीम है, क्या उसका सपना है। किंग फ्लू इन टू द स्काई, किंग जो है आकाश में उड़ी। ही फ्लू टू द मून, चंद्रमा तक वो उड़ी। ही फ्लू थ्रू ए क्लाउड, बादल के अंदर से उड़ा कंगारू। ही स्लिप्ड डाउन ए ट्री, एक पेड़ पे फिसल गया। किंग वॉक अप विथ ए बैंग, फिर कंगारू जागा सपने से। हैं, तो ये छोटी सी लाइन है कि कंगारू की क्या इच्छा है, क्या सपना है। किंग फ्लू इन टू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू ए क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन ए ट्री, किंग वॉक अप विथ ए बैंग। अब देखिए इसमें पास्ट फॉर्म आए हैं कुछ कुछ। पहले किंग फ्लू, फ्लू जो है फ्लाई होता है ना, FLY, फ्लाई का मतलब उड़ना। फ्लू जो है उसकी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। फिर तीनों लाइनों में फ्लू 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 आया है, फिर स्लिप्ड आया है। स्लिप्ड का मतलब फिसलना, तो स्लिप होता है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म स्लिप्ड। और वोकअप, वोकअप वेकअप होता है ना, वेकअप उठना, तो ये वोकअप आया है, ये भी पास्ट टेंस है। अब देखिए साइलेंस गेम, एक गेम है छोटा सा। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर्स से द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आप अपनी आँखें जो है वो बंद करो और टीचर जो आपको बोल रहा है उसको सुनो ध्यान से। जो वर्ड बोलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ बटरफ्लाई, अब अपनी आँखें बंद रखना। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, किंगारू। दोबारा बोल रहा हूँ, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, किंगारू। एक का इसमें नाम नहीं जो मैं बता देता हूँ, ऑक्टोपस। अब देखिए, विथ योर आइज स्टिल शट, इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर। और जब आप अपनी आंखें बंद की थी ना आपने, आप सोचिए कि आप इन एनिमल्स को देख रहे हैं। आप दिमाग में सोचिए कि आप जो है बटरफ्लाई को देख रहे हैं, मैना को गाते हुए देख रहे हैं, फिश को तैरते हुए देख रहे हैं, एलिफेंट को देख रहे हैं सूंड उठाते हुए, कंगारू को देखते हुए जंप मारते हुए। नाउ ओपन योर आइज एंड डू, अब अपनी आंखें बंद करके वैसा ही आप एक्शन करो। अब देखिए लेट्स ड्रॉ, पिक्चर बनाना है, लिखना है। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम, उनको लिखना है, नाम लिखना है। पहला देखिए ऊपर, हाथी के जस्ट ऊपर, मुंह के ऊपर, सूंड के ऊपर, ये क्या है, ई से स्टार्ट होता है, तो ई, ई फॉर ईयर, कान होता है ना, ईयर, EAR। फिर नंबर टू, नीचे जिसकी सूंड दे रखी है, तो सूंड का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक बोलते हैं। स्पेलिंग TRUNK, ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड। उसके बाद में नीचे कान है, लेकिन ये कान हाथी के नहीं है, किसके हैं, कंगारू के हैं, लेकिन स्पेलिंग तो वही होगी ना, EAR, लेकिन कितने कान हैं, दो कान है ना, तो प्लूरल लिखना पड़ेगा हमें, बहुवचन लिखना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले ईयर, कान, फिर ट्रंक, फिर दो कान है, इसलिए एस लगाना पड़ेगा हमें, EAR S, ईयर्स। उसके बाद में कंगारू के पैर हैं, तो लेग, लेग्स, LEG S, लेग्स। और हाथी के पीछे उसकी पूंछ है, तो पूंछ को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। देखिए दो टेल होते हैं, TAIL, एक होता है TALE, उस TALE का मतलब होता है कहानी, स्टोरी होता है, और इस टेल का मतलब होता है पूंछ। अभी लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो। इफ आई वर ए कंगारू आई वुड, तो जो पोइम में आया था कि मैं अगर कंगारू होता तो क्या करता, क्या करता, होप करता, कूदता, चंद्रमा तक जाता। दूसरा है इफ आई वर ए टाइगर आई वुड, अगर आप एक टाइगर होते तो क्या करते। इफ आई वर ए फिश आई वुड, अगर आप एक मछली होते तो क्या करते। आंसर हम बताएंगे आपको, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड, अगर आप एक पक्षी होते तो क्या करते। तो इनका एक्शन हमें लिखना है यहाँ पे, इफ आई वर ए कंगारू, कंगारू होते तो क्या करते, टाइगर होते तो क्या करते, फिश होते तो क्या करते, बर्ड होते तो क्या करते। नाउ खौफ, रोर, स्विम,
आइए आंसर देख लेते हैं इनके। पहला है इफ आई वर ए किंगारू आई वुड होप, इफ आई वर ए टाइगर आई वुड रोर, रोर का मतलब दहाड़ना, तो इसको बोलते हैं रोर। इफ आई वर ए फिश आई वुड स्विम, मैं तैरता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो बर्ड क्या करते हैं, उड़ते हैं आकाश में।